और ये कोशिश की जा रही है कि फ्रेजर रोड को खाली कराया जाए। और यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी वो रण क्षेत्र में पूरी तरीके से तब्दील हो गया। ये फ्रेजर रोड की तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से डाक बंगला चौराहे तक आपको सिर्फ पुलिस कर्मी नजर आएंगे और अगल बगल के जिलों से भी पुलिस कर्मियों को बुलाया गया था और उन्हें रोका गया था, पुलिस कर्मियों को बुलाया गया था। और स्वाभाविक तौर पर ये पहले से उम्मीद थी कि इस तरह की हालात बनेंगे और इनको इनको रोका जाएगा। तो ये तस्वीर है फ्रेजर रोड की है और फ्रेजर रोड में यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है उन वो अब महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ पर से निकाल रही हैं, हटा रही हैं। और अब जो है अब जो बीजेपी की महिला नेता हैं उनको अब हटाने की कोशिश की जा रही है और उनको भी यहां से हटा दिया गया। तो ये फ्रेजर रोड की तस्वीर है और पूरी तरीके से फ्रेजर रोड को खाली कराया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर रुके हुए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बचने के लिए अपार्टमेंटों का सहारा ले रहे हैं और ये तस्वीरें बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बचे क्योंकि लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लाठी चार्ज की जा रही है। और यहाँ पर अब जो आप तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि यहाँ पर अब जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके लिए बस भी यहाँ पर मंगवाई गई है और ये कोशिश की जा रही है कि अभी यहाँ पर जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो टिक गई हैं, वो उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और रास्ता खाली कराने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है, पुलिस और यहाँ पर बीजेपी के जो महिला वर्कर हैं वो एक जगह रुक गई हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ये रास्ता खाली हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी भी की गई थी, सुबह से पूरा पटना छावनी में तब्दील हो चुका था, बीजेपी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपने समर्थकों के साथ निकले थे विधानसभा की ओर और बीच में ही उन्हें रोक दिया गया और डाक बंगला चौराहे पर पहले रोकने की कोशिश की गई होटल मौर्या के पास, जेपी गोलंबर के पास और उसके बाद डाक बंगला चौराहे पर। और सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं, सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोकने की तैयारी की जा रही है। सम्राट चौधरी यहाँ पर आगे बढ़ रहे करता हूँ और समर्थकों के साथ यहाँ पर कई पुलिसकर्मी यहाँ पर गिर चुकी हैं और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं पीछे पुलिसकर्मी। सम्राट चौधरी गुंडागर्दी किया जा रहा है पुलिसों के द्वारा, गुंडागर्दी किया जा रहा है। तो सम्राट चौधरी को आपने सुना, सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं डाक बंगला चौराहे की तरफ और यहाँ पर सम्राट चौधरी को रोकने की कोशिश की जा
जा रही है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ये दुर्भाग्य है, बिहार के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिहार के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या फुसला गई है, नीतीश कुमार की सरकार फुसला उठा लिया है, अत्याचार हो रहा है। सम्राट चौधरी क्या बोल रहे थे, और एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी यहां आगे तक पहुंच चुके हैं, बैरिकेडिंग तक, और देखिए फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं यहाँ पे। तो तस्वीरों में देखिए, मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर से लाठी चार्ज की स्थिति आ गई है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मिर्ची पाउडर छोड़ी जा रही है, और एक दर्जन आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार रण क्षेत्र बना हुआ है, और देख सकते हैं आप सम्राट चौधरी वहां पर हैं प्रदेश अध्यक्ष, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें रोकने के लिए, और दोनों तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है सम्राट चौधरी को रोकने के लिए, और सम्राट चौधरी को रोकने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी के नेताओं ने एक घेरा बना लिया है और सम्राट चौधरी को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें अमूमन ना के बराबर देखने को मिलती है, और पटना की सड़कों पर यह तस्वीर दिख रही है, सम्राट चौधरी को रोक लिया गया है यहाँ पर, सम्राट चौधरी को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में